कुछ दिनों पहले तक आप अपने वीडियोस बनाते थे, अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के वीडियोस बनाते थे, यश और रूही के, आपके मम्मी के वीडियोस बनाते थे, खासकर बच्चों के वीडियोस बनाकर आप बहुत इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे जिन्हें लोग पसंद भी करते थे। फिर सडनली एक दिन आपकी अपॉलोजी आई, आपने ट्वीट किया कि आई एम सॉरी बिकॉज आई मे हैव हर्ट पीपल्स सेंटिमेंट्स वगैरह। तो इस अपॉलोजी की वजह क्या थी? इस अपॉलॉजी की वजह मैंने एक वीडियो देखी जो एक मेंबर ऑफ द मीडिया और राइटर भी है अनिरुद्ध गुहा ने एक्चुअली अपने ट्विटर द्वारा उन्होंने एक एक वीडियो डाल दिया कि जब जब कुछ कमेडियंस अमेरिका में या ब्रिटेन में, मैं नहीं जानता कहाँ, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहां उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटीज हो, और उन्होंने मजाक उड़ाया था सेलिब्रिटीज का कि लोग मर रहे हैं, लोग कोविड से मर रहे हैं, लोग हालातों से मारे हुए हैं, इकोनॉमिकली, इमोशनली, फिजिकली, और सेलिब्रिटीज अपने बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं, अब केक बना रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी इनसेंसिटिव हुआ था, मैंने अपने बच्चों को लंच या टी खाते हुए देखा, अपने मम्मी के ज्वेलरी को दिखाया मैंने मजाक करते हुए, ऑफकोर्स अपने क्लोजेट के अंदर मैं घुस के कपड़ों के बातें हम कर रहे हैं, फ्रिवलिस सा था, मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा था, मैंने सोचा कि मैं अपने टाइम पास लोगों के साथ शेयर करूं। पर मुझे लगा कोमल के और भी गम है जमाने में इंस्टाग्राम के सिवा, और आई थिंक मैं इंस्टाग्राम पे सब डाल रहा हूँ अपनी खुशी के लिए, अपने कुछ फ्रेंड्स और अपने फॉलोअर्स के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हालातों के मारे हुए हैं, और वो ये सब देख के वो सोच रहे होंगे यार मैं कुछ सोशली रेलिवेंट बात करूं या कुछ काम ऐसा करूं ताकि मैं इस हालात की मदद कर सकूं, और मैं ये क्या कर रहा हूं। बहुत ऐसे दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू भी आई थी कि लोग ने कहा कि अरे आप हमें मुस्कुरा रहे हो, हमें हंसा रहे हो, हमारी जिंदगी में एक मुस्कुराहट ला रहे हो, तो उसे आप क्यों रोक रहे हो। तो दो ऐसे थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स थे, तो मैं अभी कहीं उन दो थॉट्स के बीच में पिस चुका हूं और फंस चुका हूं, तो मुझे नहीं पता कि मैं डालू वीडियो या ना डालू। लकली 2 हफ्तों से मैं इस कॉन्सर्ट के साथ बहुत बिजी रहा हूँ, तो सारा वक्त एक गुड कॉज में चला गया है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कल या परसों से शायद एक दो इनोसेंट वाले वीडियोस डाल ही दूं जहां मैं किसी हालात का मजाक नहीं उड़ा रहा या सेंसिटिव हो रहा हूं और कोई इनसेंसिटिविटी नहीं दिखा रहा। दैट इज माय बिग थिंग कि मैं इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता था, वो मेरे मेरी कोर पर्सनालिटी में नहीं है, लेकिन मुझे लगा। और यू नो एक बात और कोमल, मुझे हमेशा लगता है कि लोग माफी मांगने से बहुत कतराते हैं। You know, आप कहे उससे पहले मुझे कहने दीजिए, मेरा एक दोस्त है, नॉन फिल्मी दोस्त, जब मैंने उसको आपकी अपॉलोजी पढ़ाई तो उसने कहा बट वाई इज ही अपोलोजाइजिंग। तो मैंने पता है क्या जवाब दिया, दैट इज करण जौहर, क्योंकि करण जौहर पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव इंसान है। करण को ऐसे लगा कि मुझ पर उंगली नहीं है लेकिन मैं भी शायद ऐसा कुछ कर रहा हूं, तो उससे पहले ही उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने अपॉलोजी मांग ली। एक्चुअली मैं यही कहने वाला था, इट रिक्वायर्स रियल करेज एंड अ लॉट ऑफ गट्स टू से दैट आई हैव एरर्ड, जो आप में है, शायद इसलिए करण आप हैं। नो आई थिंक दैट, थैंक यू कोमल, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, लेकिन हमेशा मैं जैसे जैसे सूरज बरजाते ने हमें बताया कि दोस्ती का उसूल है नो सॉरी नो थैंक यू, तो आई थिंक उसी तरह इंसानियत का भी उसूल होना चाहिए कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसमें सॉरी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर किसी ने आपके लिए कुछ कर लिया हो तो थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। ये बहुत सिंपल शब्द है हमारे हमारे डे टू डे भाषा में, सॉरी या मुझे माफ कीजिएगा या थैंक यू या धन्यवाद, लेकिन हम बहुत कम यूज करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे हमेशा लगता है कि ये दो शब्द हमारे दिल से निकलने चाहिए, लेकिन निकलने जरूर चाहिए। तो इसलिए मुझे अगर कुछ बुरा लगता है, जो मैंने कुछ बुरा किया है, तो मैं जरूर बोलता हूँ कि आई एम रियली सॉरी। कभी कभी जब मैंने बहुत खराब फिल्म बनाई हो तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, मीडिया मेंबर्स और ऑडियंस से माफी मांगता हूँ कि मुझसे भी गलतियां हुई है, पास्ट में हुई है, शायद फ्यूचर में भी हो। तो मैं पहले से ही महल बोलना चाहूंगा कि हमारा इंटेंशन हमेशा रहा है कौन फ्लॉप फिल्म या बुरी फिल्म बनाना बनाना चाहता है। कभी कभी क्रिएटिविटी पॉइंट पे हिट करती है तो कभी कभी मिस कर देती है, और ऐसा ही होता है, हम सबसे, हम इंसान है, हमसे तो गलतियां होंगी। तो जब गलतियां हो जाती है तो माफी मांग लो और उसको सुधारने की कोशिश कर लो। दैट्स माय बिगेस्ट आई थिंक मंत्रा इन लाइफ। करेक्ट। दो बातें, एक आपने कहा कि तो सॉरी बोलना, अगर गलती की तो सॉरी बोलना कौन सी बड़ी बात है। मैं आपको करेक्ट करूंगा, सेंटेंस ये होना चाहिए कि तो माफी मांगना कौन सी छोटी बात है, बड़ी बात बहुत है जो आपने की है करण। एक तो वो, और सेकेंडली दोस्तों ये आपके लिए
कि करण जौहर ने कहा कि जब मैं कोई गलत फिल्म बना देता हूँ जो नहीं चलती है, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, मीडिया वालों से सबसे माफी मांग लेता हूँ। केवल इतना नहीं, करण जौहर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस पैसा भी रिफंड करते हैं, क्योंकि करण जौहर की बिलीफ है कि वो फिल्म ही क्या जिसमें सबने मिलके ना कमाया हो, केवल मैं बतौर प्रोड्यूसर कमा लूं और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स रोए या मेरा मुंह देखे कि हमारी तो प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारा तो लॉस हुआ, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। इन्होंने अपनी फिल्में जो नहीं चली है, शायद फ्लॉप हुई हो, शायद लूजिंग रही हो, उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटरों को पैसे लौटाए हैं जो बहुत कम प्रोड्यूसर्स करते हैं, तो ये इनका बड़प्पन भी है। आई थिंक कोमल, आई मीन अगेन वेरी काइंड ऑफ यू, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जो पिताजी थे यश जौहर, उन्होंने मुझसे एक बार ये कहा था जब मैं कुछ कुछ होता है अपनी पहली फिल्म बना रहा था, तो ही सेड, इतना याद रखना, ही सेड फिल्म्स फ्लॉप्स या हिट हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा आज अगर आप गिरते हो तो संभलते भी हो और फिर आगे भी बढ़ते, लेकिन अगर रिश्ते फ्लॉप्स हो तो उससे बड़ा फ्लॉप नहीं हो सकता। आपके फिल्म्स फ्लॉप हो सकते हैं पर रिश्ते आपके ब्लॉकबस्टर्स होने चाहिए, और रिश्ते सिर्फ दोस्तों या परिवार के साथ नहीं है, इस इंडस्ट्री के साथ है। मैंने हमेशा ये माना है कि ये इंडस्ट्री मेरा सबसे बड़ा घर है और इस इंडस्ट्री के सारे सदस्य इस घर का हिस्सा है। अभी ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग आएंगे इस परिवार में जिसके साथ आपका अनबन होता रहेगा, वो इस दौर में वो भी चलता है, उसमें भी थोड़ा बहुत चाहिए, कभी कभी आपको हर डिश में थोड़ी मिर्ची की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत फ्लेवर्ड वाली डिश है तो कभी कभी मिर्ची आ भी गई तो क्या बात है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ठीक है, मेरा भी यही मानना है कि इस घर के सारे सदस्य मेरे बहुत करीब हैं, एक दो ऐसे होंगे जो मेरे दिल के बिल्कुल करीब नहीं है और मैं उनको करीब ले आना भी नहीं चाहता। कभी दौर में अगर वो मिल गए और ठीक हो जाएगा तो उनसे भी हम दोस्ती कर लेंगे, बट आई बिलीव कि दिस इज माई फैमिली।